कैंडिडेट एक चंद शर्मा खड़े हैं यहाँ से बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से सिर्फ वीर सिंह तेवतिया खड़े हैं। टक्कर किस किस के बीच में? टक्कर दोनों की है लेकिन यहाँ टेक्सन जीतेगा। यहाँ पर जो टक्कर है वो बीजेपी की है, टेक्सन शर्मा जी की है। मचगढ़ से भी, चनावली से भी, जालपुर से भी, अटाली से भी टेक्सन शर्मा जी। क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? ठीक कह रहे हैं, हाँ जी कहते सही। टेक्सन शर्मा को बन गया। आजकल मोदी पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर चल रहा है हमारा देश, ये समझ लो। सारे देश लोहा मानते हैं हमारे देश को आजकल। अच्छा क्यों पसंद कर रही है टेकचंद शर्मा को पब्लिक? मोदी की वजह से। मोदी की वजह से, मतलब पार्टी की वजह से माहौल है। प्रधानमंत्री एक कैसी है हमारे हिंदुस्तान में, मोदी जैसो प्रधानमंत्री ना बनेगो। विधानसभा पहुंचे हैं और यहां का चुनावी माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रिथला के जनता के दिल में क्या चल रहा है। हाल ही में दो चार दिन ही बाकी बचे हैं और 5 तारीख को वोट होने हैं, उससे पहले जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किसको विधायक बनाने वाले हैं, किसको चंडीगढ़ पहुँचाने वाले। नमस्कार अंकल। नमस्ते जी। कौन सी जगह है ये? चंदावली गाँव है। चंदावली गाँव प्रिथला विधानसभा। क्या बना रहे हो? समोसे। समोसे खिला रहे हो वालों को? कितने रुपए का समोसा? 15 रुपए का। 15 रुपए का एक? अच्छा अच्छा। मार्केट है ये चंदावली गांव की, क्या माहौल लग रहा है इस बार इलेक्शन का? बीजेपी का जी माहौल रहता है। बीजेपी का माहौल? बीजेपी का। कैंडिडेट कौन खड़े हैं पता है? टेकचंद शर्मा। पहले भी विधायक रह चुके हैं? हाँ। काम करवाया था? हाँ करवाया। अच्छा बीजेपी के नाम पे वोट दे रहे हो टेकचंद शर्मा के? देखो जी हम तो पार्टी के नाम पे दे रहे हैं, बीजेपी के नाम। कैंडिडेट कोई भी हो चाहे। अच्छा टेकचंद शर्मा जी अगर विधायक बन जाते हैं तो क्या उम्मीद है आप? उम्मीद है काम की। काम होगा? हाँ काम होगा जी। कितने वोट है इस इलाके? इसमें तकरीबन 5,000 करीब वोट है इस गांव में। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुरेश पवार नाम है। प्रिथला विधानसभा से किसे चंडीगढ़ पहुँचा रहे हैं? यहाँ सब मोदी को वोट दे रहे हैं और कैंडिडेट को वोट कोई नहीं दे रहा। बीजेपी के नाम पे? बीजेपी के नाम पे वोट मिलेंगी सभी। हाँ जी। कैंडिडेट कौन खड़े हैं यहाँ? कैंडिडेट टेकचंद शर्मा खड़े हैं यहाँ से बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से सिर्फ वीर सिंह तेवतिया खड़े हैं। टक्कर किस किस के बीच में? टक्कर दोनों की है लेकिन यहाँ टेकचंद जीतेगा। टेकचंद शर्मा जीतेंगे जी। क्या उम्मीद है आपको टेकचंद जी से? उम्मीद हर जगह से मिल रही है, हर जगह टेकचंद शर्मा का ही जोर है। हर जगह पिथला में। अच्छा हाँ जी। तो पहले भी रह चुके हैं विधायक? पहले बहुजन समाज पार्टी से जीते थे टेकचंद शर्मा जी और कांग्रेस से ये भी जीते हुए रघुवीरा भी एक बार। तो ये निकालेंगे सीट को, आराम से निकालेंगे। अच्छा, कोई टेकचंद शर्मा जी पहले विधायक रहे थे तो विकास हुआ था पिथला का? विकास क्या था उस टाइम, बहुजन समाज पार्टी से जीते थे, इनका कोई आधार नहीं था, पार्टी से थे लेकिन इनका यहाँ पार्टी थी उस टाइम बीजेपी की। अच्छा हाँ तो विकास किया था, इतना नहीं था बीजेपी आ गया। बीजेपी आगे आएगी ऐसे कोई बात नहीं है, यहाँ पर जो टक्कर है वो बीजेपी की है, टेकचंद शर्मा जी की है। मचगढ़ से भी, चनावली से भी, जालपुर से भी, अटाली से भी टेकचंद शर्मा जी। कितने गाँव है यहाँ पर? करीबन है ही 40-50 घर हैं। गाँव 104 गाँव है पिछला गाँव में। 104 गाँव है पिछला विधानसभा में। हाँ जी। कितना विकास हो चुका है ना? विकास तो बढ़िया है जी, बिजली 24 घंटा आ रही है, रोड भी बढ़िया ही बन रहे हैं पिथला में, तो सब ज़्यादा बढ़िया है जी, कोई बात नहीं है। कौन सी विधानसभा लगती है? तो पिथला। और जगह का नाम क्या है इसका? सीकरी। सीकरी में किसका माहौल लग रहा है इसका? रघुवीर सिंह तेवतिया। कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस। लग रहा है जीतेंगे? पार है। पार है? क्या बड़ी और आ रहा है पिथला विधानसभा? पिथला में उठा रहा कर्पूरी। हाँ जी। अच्छा ये बताइए पिथला की बड़ी समस्या है क्या है? पिथला की समस्या ये है, सड़क वड़क टूटी पड़ी है, पानी वानी भर जाए इनमें, और समस्या ये कोई काम तो करवाने में राजी नहीं है। अच्छा हाँ ये सड़क टूटी पड़ी है, ये सब कई
जोर है ज्यादा कटरा में? फिलहाल तो रघुवीरा का ही चल रहा है। रघुवीरा का चल रहा है? रघुवीरा का। तो क्या लगता है रघुवीरा अगर विधायक बन जाते हैं तो पृथला में सुधार होगा? अब देखो वो तो उनकी मर्जी है, करें ना करें। अब बनने के बाद में तो कोई दीख है भी ना। क्या नाम है बाबू जी? कमरपाल। क्या लग रहा है इस बार पृथला से कौन जा रहा है चंडीगढ़ तक? जो सेंटर में बैठो ना पिथड़े में वही सरकार बनेगी। अच्छा, किसको कह रहे हो? थोड़ा इशारा तो करो। ये टेकचंद शर्मा और कौन है? टेकचंद शर्मा। हाँ। अच्छा, टक्कर किससे लग रही है इनकी? रघुवीरा। अच्छा, टेकचंद शर्मा ने काम करवाए हैं पिथड़ा में, पहले भी विधायक रह चुके हैं। कोरे कॉलेज बनवाए कहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ बनवाए, फतेहपुर में और सीकरी में और मोहना में और दूधौला में। कोर भाई ने बनाए कॉलेज, और किसी ने बनाए ना। ये सुना है आपने, आपको पता है? देखे तो हमने भी है वैसे तो जाते हुए। अच्छा, अच्छा क्यों पसंद कर रही है टेकचंद शर्मा को पब्लिक? मोदी की वजह से। मोदी की वजह से? मतलब पार्टी की वजह से माहौल है? प्रधानमंत्री है कैसी है हमारे हिंदुस्तान में, मोदी जैसो प्रधानमंत्री ना बनेगो, आगे भी ना बनेगो, ना अब तक कोई बनो मोदी के सिवा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के कौन कौन से काम अच्छे लगते हैं आपको? सबड़ी। कोई ऐसा काम जो आपको ज्यादा दिल से लगता हो भाई प्रधानमंत्री ने ये काम कर दिया, मैं तो बहुत खुश हूँ इस काम से, ऐसा कोई काम? सबड़े काम करें, मैं ना करूँ, मैं ठाली बैठा रहूँ तो ये कोई तरीका थोड़ी है। काम तो आने सबड़े ही दे रखे हैं, बढ़िया, कोई ना करे तो वो दूसरी बात है। मोदी जी ने इसलिए मतलब बीजेपी की वोट दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, मतलब पृथला से जो टेकचंद शर्मा जी को वोट जा रहे हैं वो बीजेपी के नाम से जा रहे हैं? बीजेपी के नाम से जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये पहला का 62 साल हो गए हमारे यहाँ का रिकॉर्ड है जी, जो जिसकी सरकार सेंटर में होती है उसी को जिता के भेजते हैं। अच्छा, पृथला में एक रिकॉर्ड रहा है पहले से ही कि जो एक बार विधायक बन गया वो दोबारा विधायक नहीं बनता? अब ये तो किस्मत की बात है जी बदले। हाँ, लेकिन अगर विधायक बन जाते हैं टेकचंद शर्मा जी तो आप लोगों को मतलब पृथला की सबसे बड़ी नीड क्या है, क्या जरूरत है कि भाई टेकचंद शर्मा जी से आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप विधायक बन जाते हो तो हमारा ये समाधान करवा देना? समाधान क्या, हमारा वही विकास करवाएगा, वही करवाएगा। हाँ जी, पूरी उम्मीद है। हाँ जी, हाँ जी, बड़े बूढ़े तेल सही रहे। चलो आ जा, तू आ जा, पूछिए। बताइए किसका लहर, किसकी लहर लग रही है यहाँ? तो बीजेपी की लहर है। हाँ जी, कैसे? एक तरफा माहौल लग रहा। हाँ, एक तरफा ही है। कितनी आबादी है यहाँ, इस क्षेत्र की कितनी आबादी है? इस क्षेत्र की चंदावली की 5,000 पोलिंग है इसलिए। हाँ, 5,000। टेकचंद शर्मा जी जैसे कि अब सत्ता में नहीं थे, आते हैं पब्लिक के बीच? आते हैं। समाधान, बहुत चीजें, काम करवाया कभी? हाँ, काम करवाया। सब में आवे, सब में मरे गिरे में भी आवे, जाके भैंस भी आवे वहाँ में भी आवे बेचारों, जो बात पहुँच जाते हैं जहाँ जरूरत होती है। हाँ, सब में आवे जो बात। अच्छा, हाँ, प्यास आती की तो वहाँ में मैंने सबड़ो ही नाम ले दियो, जो भैंस भी आएगी तो जब भी आवे तो सभी आगे, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, मतलब जनता के बीच में रहते हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, कते सही। बना रहे विधायक टेकचंद शर्मा को? बना दिया, बन गया, बन गया, पहुंच गया चंडीगढ़। हाँ, चलिए बढ़िया है ना। चंडीगढ़ तो जाएगा जी? जाएगा। हाँ, अरे मोदी अब आ रहा हो, 2 तारीख को कैको आ रहा हो, 1 तारीख को सब एक जगह कर देगा सब। अच्छा, हाँ, सब एक जगह कर देगा, किस किस को? एक तरफा मत, माहौल एक तरफा कर देंगे, बीजेपी का माहौल कर देंगे। अच्छा, मोदी तो मोदी, योगी जी भी तो आए थे अभी। वो योगी तो योगी है, बाकी तो सीटें एक तरफा कर दी है योगी के आने से। योगी के आने से प्रभाव पड़ा है बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ जी, तो फागना जी के वहाँ आए थे इलाके में वो? हाँ, फागना के वहाँ पर, सतीश फागना के वहाँ पर। हाँ, 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 हाँ। तो मतलब योगी के आने से बदलाव हो गया? बहुत ज्यादा बदलाव होता है। अब आ रहे हैं मोदी जी? मोदी जी आ रहे हैं 1 तारीख को। जो थोड़े बहुत इधर उधर भटक रहे ना वो भी एक तरफ आ जाएंगे, बीजेपी की तरफ ही आएंगे वो। अच्छा, महंगाई की बात करूं, नई नई योजनाएं आ रही हैं, सिलेंडर सस्ते कर दिए हैं, मतलब कह दिया है कि सिलेंडर सस्ते कर दूंगा। मैं बताऊं बात,
पहले 100 रुपया में एक हफ्ता की 10 दिना की घर को राशन आ जावे हो जी, अपने जमाने की बता रहा हूँ मैं, और अब आवे 5,000 को। तो जब पैसा ना हो, अब पैसा ज़्यादा है, बात हुई है रोजगार कम नहीं है, ज़्यादा ही ज़्यादा जो बात मैं बताऊँ, मतलब जैसे इनकम है वैसे खर्चे है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, पैसा अब ज़्यादा है, पहले कम हो। जमीन है हम देखना चाहो 1 करोड़ की, खरीदने के लिए हम 50 लाख की कैसे खरीद सकते हैं उसे, समझो आप इस बात को। तो खरीदने के लिए जा रहे हैं जब तो हमें महंगाई लग रही है, अब बेचने जा रहे हैं तो हमारे ज़्यादा महंगी बिके, तो इसमें तो कोई नहीं लग, जब मंदी लग रही है जब आपके हिसाब से नहीं, महंगाई नहीं उस हिसाब से कोई महंगाई नहीं है, नहीं लोगों की वैसे ही खर्चे महंगाई कुछ भी ना जी, मैं बताऊँ ये तो हम जैसे ने महंगाई कर रहा है, बेमतलब काम बहुत है हिंदुस्तान में, करने वाला होना चाहिए, काम की कमी नहीं, काम की कोई कमी नहीं है। जब गांव किन के लिए महंगाई, बाहर के आ रहे हैं वो किराए पे भी रह रहे हैं, 3,000-4,000 रुपये किराया भी दे रहे हैं फिर भी बचा रहे हैं वो, और गांव किन पे तो अपना घर भी है यहाँ पे फिर भी मतलब रोजगार, अरे दारू पीएंगे तो उनके लिए तो रोजगार है ही नहीं, कहीं ना करने वाले इनके लिए रोजगार नहीं है, करोगे तो बहुत रोजगार है, कंपनी बहुत है। मैं जैसे कि आप कह रहे हैं तो मैं ये मानूं कि प्रिथला में कमल खिल रहा है, विधायक जी हमने ये भी मांग रखी थी यहाँ पे बन जाओगे तो थोड़ा सा कंपनी में लगाने का ज्यादा वो रखे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।